सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि आप किस तरह से Realme UI 3.0 के अंदर किसी भी पेड सिम को बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, सर अभी मैं जो ये गाइस डिवाइस यूज कर रहा हूँ गाइस, इस डिवाइस के अंदर गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो Realme UI 3.0 का जो ऑफिशियल वर्जन है रन कर रहा है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी भी पेड सिम को बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो Realme UI 3.0 के अंदर। सो गाइस, इट्स मी अर्जुन एंड यू वॉचिंग अर्जुन राजवंशी। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस यार, सबसे पहले आप लोगों ने इधर गाइस यार मैं अपना थीम स्टोर का वर्जन चेक करा देता हूं। सो गाइस यार, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा जो अभी गाइस यार थीम स्टोर के अंदर वर्जन रन कर रही है 9.1.9। सो गाइस यार, इसके बाद आप लोगों ने क्या करनी, सिंपली गाइस अपना थीम स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। एंड गाइस यार, सबसे पहले आप लोगों ने अपना थीम स्टोर को अपडेट करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, देन इधर चेक अपडेट पर क्लिक करो। सो गाइस यार, यहां पर देखो मेरे डिवाइस के अंदर एक अपडेट आया हुआ है। तो सिंपली गाइस मैं यहां पर अपडेट पर क्लिक करके गाइस ये जो 9.3.0 का ऑफिशियल वर्जन है इसको अपडेट कर देता हूं। तो सो गाइस यार, फाइनली अभी जो कि अपडेट हो रही है तो हम लोग यहां पर थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। उसके बाद गाइस यार, जैसे ये अपडेट हो जाता है उसके बाद गाइस यार मैं आप सभी को आगे का प्रोसेस बताता हूं। सो गाइस यार, फाइनली ये जो अपडेट हो चुका है 9.3.0 पर, तो गाइस यार देखिए, यहां पर अपडेट हो जाने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने क्या करनी है, अपना थीम स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। सही है, तो चलिए गाइस हम लोग यहां पर अपना थीम स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद गाइस एक ऐड आएगा, ऐड को स्किप कर लेनी है। सो गाइस यार, उसके बाद आप लोगों ने क्या करनी है गाइस यार, आप लोगों ने यार जिस भी थीम को यार अपने फोन में अप्लाई करना चाहोगे, सिंपली गाइस यार आप लोगों ने यार थीम को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए गाइस मैं यहां से किसी भी एक पेड थीम को सिलेक्ट कर लेता हूं, जिसको कि गाइस यार मेरे को अपने फोन के अंदर अप्लाई करना है। सही है, तो चलिए गाइस मैं यहां से थीम को सिलेक्ट कर लेता हूं। सो गाइस यार, फाइनली यहां पर देखो मैंने अपना थीम को सिलेक्ट कर लिया iPhone 14 Pro का। सो गाइस, इस पर मैंने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज जाके एक बार चेकआउट कर लेना। सो गाइस, यहां पर आप सभी के सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे गाइस, एक बाय का और एक फ्री ट्रायल का। सिंपली आप लोगों ने फ्री ट्रायल वाले ऑप्शन पर क्लिक करो एंड ये जो थीम गाइस अभी आपके फोन पे डाउनलोड होगा एंड उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरह से यहां पर इंटरफेस दिखाई देंगे। सो गाइस यार, आप लोगों ने यहां पर 5 मिनट फ्री ट्रायल पर क्लिक करके इस थीम को अपने फोन पे अप्लाई कर लेना है। तो चलिए गाइस मैं इस थीम को अपने फोन पे अप्लाई कर लेता हूं। सो गाइस, अभी ये जो थीम है मेरे फोन पे अप्लाई हो रही है Realme UI 3.0 के अंदर, तो हम लोग यहां पर थोड़ी देर वेट करते हैं एंड गाइस इस थीम को अपने फोन पे सक्सेसफुली अप्लाई होने दे लेते हैं। सो गाइस, फाइनली ये जो थीम है गाइस मेरे फोन पे अप्लाई हो चुका है। उसके बाद बैकग्राउंड से सभी एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है, देन एक बार यार अपने फोन को गाइस रिस्टार्ट करना है। गाइस अगर आप रिस्टार्ट करोगे तभी ये ट्रिक वर्क करने वाला है, नहीं तो गाइस ये जो ट्रिक है वर्क नहीं करने वाला है। तो चलिए गाइस मैं यहां पर अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूं, ताकि गाइस इस थीम पे किसी भी तरह का बग्स हो वो फिक्स हो जाए। सो गाइस, फाइनली अभी हमारा जो फोन है यहां पर बूट कर रही है, तो हम लोग यहां पर थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। हाँ, तो गाइस यार जैसे कि अभी आप देख पा रहे गाइस, फाइनली हमारा जो फोन है गाइस ये बूट हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर वेट करते हैं एंड गाइस यहाँ पर देखो फोन बूट हो चुका है। उसके बाद गाइस यार मैं यहाँ पर अपना जो पैटर्न है गाइस उसको फिल कर लेता हूँ, मतलब जो पासवर्ड है उसको मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ एंड यहाँ पर थोड़ी देर वेट करते गाइस एप्लीकेशन को लोडिंग करने देते हैं। तो सो गाइस यार, फाइनली जैसे कि देख पा रहे एप्लीकेशन भी लोडिंग कर चुका है। उसके बाद गाइस आप लोगों ने इधर गाइस अपना ऐप इन्फो पे क्लिक करना है एंड देन आप सभी के सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। हाँ, तो गाइस अब जैसे आप इन्फो के अंदर आ जाते हैं और उसके बाद गाइस आप लोगों ने इधर गाइस यार स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद गाइस इसका जो जितने सारे डेटा है उसको क्लियर कर देना है। देन एक बारी बैक आनी है और उसके बाद गाइस यार आप लोगों ने देखिए क्या करनी है, इधर गाइस फोर्स स्टॉप पर क्लिक करना है, देन अगेन फोर्स स्टॉप पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद गाइस यार आप लोगों ने क्या करनी है, देखो गाइस परमिशन को चेक करना है। गाइस अगर आप यहाँ पर स्टोरेज का परमिशन दे रखे हो तो सिंपली गाइस उसको डेनी कर लेना है, ठीक है, अलाउ नहीं रखना है। सही है, तो गाइस यार जैसे कि देख पर मैंने गाइस यहाँ पर परमिशन को डिसेबल करके रखा है, मतलब डेनी कर रखा है एंड उसके गाइस इधर आपको एक फोर्स स्टॉप का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको क्लियर कर लेना। देन इधर गाइस आपको एक डिसेबल का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर टैप करके गाइस यहां पर एक बार अपना जो पासवर्ड है उसको फिल कर लेना है। तो गाइस जैसे पासवर्ड को फिल कर लेते हैं उसके बाद गाइस डाटा यूजेस पे आना है। जैसे डाटा यूजेस पे आओगे गाइस इधर आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, गाइस डिसेबल मोबाइल डाटा एंड डिसेबल वाईफाई। सिंपली गाइस यार आप लोगों ने ये दोनों सेटिंग को इस तरह से एनेबल कर लेना है एंड उसके बाद गाइस क्या करनी, सिंपली बैक आनी है। उसके बाद गाइस यार आप यहां पर देखो ये जो थीम गाइस यार अभी आपके फोन पे परमानेंटली अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बता सकते हो। गाइस अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल पाए का बैल का आइकन उसको भी ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर एंड।